हाँ तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है उसके अंदर डिस्कस करेंगे एरिया वेक्टर के बारे में। एरिया वेक्टर के बारे में हम जानते हैं बेटा, एरिया आपके पास कैसी क्वांटिटी, एक वेक्टर क्वांटिटी है। एरिया आपके पास कैसी क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों है वेक्टर क्वांटिटी? मैंने एरिया को बताया बेटा क्या, वेक्टर क्वांटिटी। ये वेक्टर क्वांटिटी क्यों है? क्योंकि एरिया को देखने के लिए हमारे पास एक पार्टिकुलर डायरेक्शन होनी चाहिए। से फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास बेटा कि एरिया मैंने अभी रिप्रेजेंट किया, इस वाले एरिया को देखने के लिए बेटा यहाँ हमें नज़रों को इसके परपेंडिकुलर डालना होगा। हमारे पास जो नज़रें होंगी बेटा वो परपेंडिकुलर होंगी इस सरफेस की। अगर इसी को बेटा मैं कुछ ऐसे लिखूं, ऐसे मैं रिप्रेजेंट करूं बेटा, अब ऐसे सरफेस को देखने के लिए बेटा हमारे पास नज़रें फिर से क्या होनी चाहिए, यहाँ पर ऐसे परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो एरिया के पास एक डायरेक्शन है, तो बगैर डायरेक्शन के अगर हम जिस क्वांटिटी को बेटा नहीं देख पाते तो स्केलर क्वांटिटी होती है, और डायरेक्शन के साथ जो भी क्वांटिटी होती है बेटा वो आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है। तभी तो मैंने लिखा बेटा एरिया वेक्टर आपके पास कैसी क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी जो डायरेक्शन होगी अपने ही सरफेस पर बेटा क्या होगी, परपेंडिकुलर। ये देखो आपके पास ये सरफेस था और इस सरफेस के ऊपर बेटा हमने क्या बनाया, इसकी डायरेक्शन पर जो कि परपेंडिकुलर है इसके। अगर इस सरफेस को अजूम करते हैं तो देखो इस सरफेस के साथ डायरेक्शन क्या बन रही है, 90 डिग्री का एंगल बना रही है। तो आप लोगों ने याद रखना है, क्या बात याद रखनी बेटा, एरिया वेक्टर इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इट्स ए सरफेस। ये अपने सरफेस के क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर होता है। और ऐसी क्वांटिटी को नाम दिया बेटा क्या, एरिया वेक्टर। यहां तो कोई डाउट। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है वो निकल कर आते हैं हमारे पास, उसको नाम दिया गया बेटा क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट किया जाता था फाई के साथ। किसके साथ रिप्रेजेंट किया जाता, फाई के साथ। फ्लक्स एक ऐसा वर्ड है, मैंने आपको प्लस वन क्लास में भी बताया था फ्लक्स के बारे में बेटा, कुछ ऐसा बताया गया था। ये साइंस की एक ऐसी टर्म है जो हमें ये बताती है कोई क्वांटिटी कितना पास हुई किसी क्लोज्ड लूप में से, मतलब हाउ मच क्वांटिटी पासिंग इन ए क्लोज्ड लूप नोन एज बेटा क्या, फ्लक्स। बर्नौली थ्योरम के अंदर बेटा हमने इस फ्लक्स को वाटर फ्लक्स के फॉर्म में किया था। वाटर क्या आपके पास बेटा, वाटर फ्लक्स। भाई थोड़ा सा रिपीट करता हूँ बेटा, कुछ ऐसा डायग्राम था बेटा बर्नौली थ्योरम के अंदर। तो इस पाइप में से, इस क्लोज्ड पाइप में से कितना वाटर पास हुआ, दैट टर्म इज नोन एज बेटा क्या, वाटर फ्लक्स। वैसे बेटा हम लाइट फ्लक्स भी मान सकते हैं, लाइट फ्लक्स के अंदर बेटा क्या होगा, हाउ मच अमाउंट ऑफ लाइट पासिंग इन ए क्लोज्ड विंडो, किसी विंडो में से कितनी लाइट पास हुई है, उस क्वांटिटी को नाम दिया बेटा क्या, लाइट फ्लक्स। और वैसे ही आपके पास बेटा क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या हमारे पास है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को बेटा दोबारा लिख लेते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बेटा आप लोगों ने याद रखना है, क्या बात याद रखनी है, इट गिव्स अस नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग इन ए क्लोज्ड लूप।
किसी लूप में से कितनी इलेक्ट्रिक लाइन पास हो रही हैं, दैट क्वांटिटी इज नोन एज इलेक्ट्रिकल फ्लक्स। इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा बेटा किसके साथ, फाई के साथ। और जो हमारे पास किसके इक्वल होगा बेटा, ई डॉट डीएस। ई डॉट डीएस मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डॉट प्रोडक्ट है किसके साथ बेटा, एरिया वेक्टर के साथ। एरिया वेक्टर आपको बता दिया गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको बता दी गई है, और ऐसी दोनों की जो आपके पास बेटा डॉट प्रोडक्ट होगी वो रिप्रेजेंट करेगी किसको, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। और यहां से हमारे पास कंक्लूजन भी बेटा निकल कर आ गया। क्या कंक्लूजन निकल कर आ गया कि ये जो डॉट क्वांटिटी होती है बेटा कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसी क्वांटिटी आपके पास, स्केलर, स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है कि स्केलर क्वांटिटी है। थोड़ा सा इस फॉर्मूले के बारे में और डिस्कस करते हैं बेटा, फॉर्मूला कैसे लिखा गया है उसके लिए बेटा हमने क्या किया। देखो सपोज करो आपके पास बेटा ये क्यूब है, इस क्यूब के अंदर बेटा हमने एक चार्ज को रख दिया भाई। क्यूब के अंदर बेटा हमारे पास क्या है कि चार्ज है, ये सेंटर पर बेटा हमने क्या मान लिया उसका एक चार्ज है, यहाँ पर क्या चार्ज। और इस क्या चार्ज पर कैसा चार्ज बेटा, पॉजिटिव चार्ज है। जैसा कि हम जानते हैं पॉजिटिव चार्ज में से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होंगी बेटा क्या होंगी, आउटसाइड होंगी। तो मतलब इस क्या चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस सरफेस में से भी जाएंगे आपके पास, ए बी सी डी, इसमें से भी जाएंगे बेटा। इनको नामिंग बेटा नेमिंग कर देते बेटा, ई एफ जी और बेटा क्या एच, ये हमारे पास क्या बेटा एच हो गया। मतलब इसके क्यूब के पास बेटा कितने फेस, आपके पास कितने सरफेस है बेटा, सिक्स सरफेस है। तो हर किसी में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बेटा ऐसे पास होंगे आउटसाइड, सभी में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बेटा क्या जाएंगी आउटसाइड। तो किसी सरफेस में से, क्योंकि हर सरफेस बेटा क्या आपके पास क्लोज्ड है, क्लोज का मतलब हम जहां से चलते हैं वहीं पर आ जाते हैं। मैंने एज्यूम किया बेटा के पास ये एक सरफेस है, यहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, मतलब ए बी सी डी सरफेस में से कितनी इलेक्ट्रिक लाइन पास होंगी। तो उसके लिए बेटा मैंने क्या बताया, इसका एरिया वेक्टर, इस सरफेस का एरिया वेक्टर बेटा क्या होगा, इस सरफेस के परपेंडिकुलर। तो ए बी सी डी का आपके पास बेटा एरिया वेक्टर बेटा क्या है, ये डी एस है, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है भाई। मैंने क्या लिखा बेटा, डी एस आपके पास बेटा क्या है, एरिया वेक्टर ऑफ सरफेस ए बी सी डी। यहां तो कोई डाउट। अब यहां से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, चार्ज की वजह से कितनी इंटेंसिटी, कितनी स्ट्रेंथ है, वो बेटा हमने किसके साथ रिप्रेजेंट की, ई के साथ। ई आपके पास बेटा क्या है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में मैंने आपको पहले बता रखा बेटा, जितनी नंबर ऑफ लाइन होंगी उतनी ही इंटेंसिटी क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। मतलब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को किसके साथ भी लिखा जा सकता, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बेटा। अब हमारे पास दोनों टर्म आ चुकी हैं, ये तो क्या आपके पास नंबर ऑफ लाइन, ये बेटा उस सरफेस में से पास होंगी। तो जो दोनों का अमाउंट होगा वो आपके पास बेटा क्या बन जाएगा, फ्लक्स। देन फ्लक्स बिकम्स बेटा क्या, ई डॉट डी एस, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी आउटसाइड है, एरिया वेक्टर भी बेटा क्या है आउटसाइड है। तो दोनों सेम टर्म आपके पास, जो दोनों की जो मल्टीप्लीकेशन है बेटा एक ही डायरेक्शन में होने की वजह से कौन सी प्रोडक्ट लेंगे बेटा, डॉट प्रोडक्ट लेंगे। तो हमारे पास फ्लक्स बेटा क्या हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस। यहां तो कोई डाउट, अगर यहां तक तो कोई डाउट नहीं है तो इसके बेटा स्पेशल केस करते हैं बेटा। केस फर्स्ट, केस फर्स्ट के अंदर बेटा हमारे पास क्या होगा, अगर थीटा की वैल्यू बेटा 0 होगी। केस सेकंड, जब थीटा की वैल्यू बेटा कितनी होगी, 90 होगी। केस थर्ड बेटा, जब थीटा की वैल्यू बेटा कितनी हमारे पास, 180। भाई थीटा आपके पास यहां पर बेटा, क्योंकि इसको मैं लिख सकता हूं बेटा क्या, ई डी एस कोस थीटा, ई डी एस कोस थीटा। ये जो थीटा होता है आपके पास, ये एंगल होता है किसके बीच का, ई और डी एस के बीच का।
भाई, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिकल लाइन है और जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी, आपके पास एरिया वेक्टर है, दोनों के बीच का आपके पास बेटा क्या एंगल माना जाएगा? थीटा। तो जब बेटा हम ए बी सी डी सरफेस की बात करते हैं, तो देखो इसके अंदर आपके पास एरिया वेक्टर भी उसी डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी डायरेक्शन में है, तो कहीं ना कहीं थीटा कितना बने बेटा? जीरो बनेगा। और जीरो बनने पर हमारे पास बेटा फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? देन फाई बिकम्स ई डी एस कोस जीरो, और कोस जीरो की वैल्यू हमारे पास कितनी? वन। तो हमारे पास रिजल्ट बनेगा ई डी एस, जो हमें क्या वैल्यू देगा बेटा? मैक्सिमम वैल्यू देगा। क्या देगा? मैक्सिमम वैल्यू देगा। यहां तो कोई डाउट? अगर इसके अंदर कोई डाउट नहीं है बेटा, तो सेकंड केस बेटा 90 डिग्री। 90 डिग्री का कुछ ऐसे आपके पास, सपोज करो ये पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक लाइन तो ऐसे जा रही है, लेकिन आपके पास बेटा सरफेस कैसे ले लिया हमने? ऊपर की तरफ ले लिया। इसका आपके पास ये सरफेस है, इसका एरिया वेक्टर बेटा कहां पर? ऊपर की तरफ। क्या इसमें से कोई इलेक्ट्रिक लाइन पास हो पाएंगी? बिल्कुल नहीं हो पाएंगी, क्योंकि इसके लिए तो चार्ज या तो यहां पर होना चाहिए या फिर बेटा नीचे होना चाहिए, तभी तो जाएंगी। तो यहां पर बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में कितना एंगल बने बेटा? 90 डिग्री। और 90 डिग्री होने पर आपके पास बेटा फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। क्या हो जाएगी? जीरो, क्योंकि कोस 90 हमें कितनी वैल्यू देगा बेटा? जीरो वैल्यू देगा। उसके बाद बेटा कोस 180, कोस 180 कुछ ऐसे लिया गया आपके पास बेटा, सपोज करो आपके पास ये, आपके पास बेटा क्या है? एक सरफेस है, और हम मान लेते हैं बेटा ये पॉजिटिव चार्ज कुछ टाइम के लिए बेटा। इस पॉजिटिव चार्ज में से आपके पास इलेक्ट्रिक लाइन तो बेटा किस तरफ है? बाहर की तरफ। और एरिया वेक्टर बेटा क्या इस तरफ है? तो एंगल कितना बनेगा आपके पास बेटा? 180 का। और 180 पर होने पर बेटा कोस 180 हमें क्या वैल्यू देगा बेटा? नेगेटिव वैल्यू देगा। और नेगेटिव वैल्यू होने से हमारे पास बेटा जो फ्लक्स आएगा बेटा क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास जो फाई की वैल्यू थी बेटा, फाई की वैल्यू हमारे पास क्या थी? ई डी एस कोस 180। कोस 180 की होने से बेटा नेगेटिव, तो और आपके पास बेटा फाई की वैल्यू बेटा क्या रहेगी? नेगेटिव रहेगी। तो ये चीजें आप लोगों ने करनी है। फ्लक्स क्या है? फ्लक्स मैक्सिमम कब होगा? फ्लक्स मिनिमम कब होगा बेटा? और फ्लक्स नेगेटिव कब होगा? एरिया वेक्टर क्या है? अब इससे रिलेटेड बेटा हमारे पास जो नेक्स्ट टर्म है वो निकल कर आएगी, जो हम कल डिस्कस करेंगे, उसका नाम है बेटा क्या? गॉस थ्योरम। बड़ी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू बेटा उसमें से हर बार एक क्वेश्चन आपका जरूर मिलता है, या तो थ्योरेटिकली मिले या फिर न्यूमेरिकली मिले। अब वो जो टॉपिक है बेटा, हम वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर अच्छे से डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको इन दोनों चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है? ओके बेटा, थैंक यू।